नौखा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि रणाराव के समीप दो पक्षों में फायरिंग हुई है, आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की गई है। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। नौखा पुलिस थाने के एएसआई मौके पर पहुंचे हुए हैं, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम नौखा से, जहां फायरिंग हुई आपसी रंजिश के चलते ये फायरिंग हुई। रणाराव के समीप दो पक्षों में ये फायरिंग हुई है, आपसी रंजिश के चलते ये फायरिंग हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, नौखा पुलिस थाने के एएसआई मौके पर पहुंचे हुए हैं, पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। नौखा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें फायरिंग में एक युवक भी घायल है और इस युवक को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज जारी है। संवाददाता पवन गौड़ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पवन, दो पक्षों में फायरिंग हुई, इसकी क्या कुछ वजह बताई जा रही है? पवन, मैम बता दूं कि आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी, उसके बाद में फायरिंग हुई थी। जो राणा तालाब के पास की घटना है, घटना स्थल पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, वो चेतन तेजी के नाम से बताया जा रहा है। उसको यहाँ से बीकानेर जिला अस्पताल में रेफर किया गया था, बीकानेर जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। घायल के मृतक परिजनों ने पीडीएम वहाँ पर इलाज चालू है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आपसी झगड़े के होने की जानकारी बताई जा रही है। वही नौखा सीओ हिमांशु शर्मा, एएसआई ओम प्रकाश यादव अपने जाब्ते के साथ जैसे ही जानकारी मिली, जानकारी मिलते ही वो घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, बदमाशों की तलाश जारी है। पवन, जो युवक घायल हुआ है उसकी अभी क्या हाल बने हुए हैं, क्या अभी उसके स्वास्थ्य में सुधार है? अभी बीकानेर के जिला अस्पताल के अंदर उसे भर्ती करवाया गया है, जहां पर डॉक्टर उसके इलाज के लिए तत्पर तैनात हैं और उसके स्वास्थ्य के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर इलाज के लिए चले। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका अधिक जानकारी देने के।